Assalamu alaikum. I am Dr. Haris Saleem. I welcome all the students on the behalf of Civil Services Preparatory School. I have been teaching Islamic studies in this academy for last 2 years. So, dear students, aaj ki is important session mein main aapko Islamiyat ke hawale se 7 important tips bataunga ki agar aap uske mutabik apne paper ki taiyari karenge तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आप बड़ी आसानी के साथ 80 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको इस्लामियात का सिलेबस और उसमें किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपकी इस्लामियात के हवाले से तमाम क्यूरीज भी सॉल्व हो जाएंगी और आपको एक डायरेक्शन भी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपने इस्लामिक स्टडीज के पेपर की तैयारी करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर आप CSS में इस्लामिक स्टडीज का पेपर देखें और उसका रिजल्ट देखें तो वो रिजल्ट बहुत ही अलार्मिंग है। और इंग्लिश के बाद सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जिस पेपर में फेल होते हैं वो इस्लामिक स्टडीज का पेपर है। और अगर आप वो स्टूडेंट्स के मार्क्स उठाकर देख लें कि जो स्टूडेंट्स पास होते हैं उनके मार्क्स भी कोई बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं वो 40-50% होते हैं। यानी आप समझ लें कि बड़ी मुश्किल से वो सरवाइव करते हैं इस पेपर में। 20% स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर 50 से 60 के दरमियान होता है, और सिर्फ 10% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 60 प्लस और 85 तक मार्क्स लेते हैं। तब सोचने की बात है कि क्या वजह है कि हम इस्लामियात में जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है BS लेवल पे और हम बड़ी आसानी के साथ उसमें एक ग्रेड ले लेते हैं, यहां पर आकर क्या मसला है कि हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और जाहिर सी बात है अगर आप 40-50% मार्क्स भी लेंगे तो आपका ही तो कंपटीशन का एग्जाम है, आपने सिर्फ पास तो नहीं होना, आपने तो स्कोर करना है, तो उसकी वजह से भी हमारी एलोकेशन नहीं होती है। तो बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, और असल फर्क यह है कि हमारी अप्रोच ठीक नहीं है CSS के इस्लामियात के पेपर को अटेम्प्ट करने की। मेरे अपने चंद दोस्तों से बात हुई इस्लामियात के हवाले से कि इसमें आप लोग पेपर चेक भी करते हैं, बनाते भी हैं, तो क्या वजह है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने कम क्यों आते हैं। तो तमाम एग्जामिनर्स की एक ही बात थी कि हमें इस्लामियात के पेपर में इस्लामियात के अलावा सब कुछ मिलता है। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा बात यह है कि इस्लाम किस चीज पे बेस करता है। मैंने कहा कुरान और हदीस पर। तो कहने लगे कि अगर किसी स्टूडेंट के पेपर में कुरान और हदीस का एक भी रेफरेंस ना हो, बाकी बहुत अच्छा एनालिसिस हो, बाकी हर चीज हो, तो हम उसको इस्लामियात का पेपर कैसे मान लें और उसमें हम उनको मार्क्स कैसे दे दें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वो टेक्निक्स बताता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस करते हैं इस्लामियात के पेपर में वो है अरेबिक टेक्स्ट। क्योंकि जाहिर है अरबी से हम इतने ज्यादा फैमिलियर नहीं होते, हमें अरबी याद करना मुश्किल लगती है, जिसकी वजह से हम अरबी में रेफरेंस नहीं देते, और जो स्टूडेंट्स देते भी हैं वो अरेबिक ठीक लिखते नहीं हैं या कुछ लोग ट्रांसलेशन लिखते हैं, जिसकी वजह से आपके पेपर की वर्थ नहीं बनती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने लोगों का स्कोर 80+ आता है आप उनका एक सर्वे करके देख लें, आपको अंदाजा होगा कि वो सब यही कहेंगे कि हमने अरबी में कुरानी आयात और हदीस लिखी। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने पेपर में एटलीस्ट हर क्वेश्चन में 5 से 6 आयात आपकी होनी चाहिए, और इसी तरह से 3-4 अहादीस उसमें लिखनी है। यानी जितना अरेबिक टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ कुरान एंड हदीस आपके पेपर में होगा उतने ही मार्क्स आपके ज्यादा आएंगे। अब आप कहेंगे कि उसको याद कैसे करें, उसको लिखे कैसे, क्योंकि अरबी से तो हम इतने फैमिलियर नहीं हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात यह है कि अगर यह है कंपटीशन का एग्जाम, इसमें आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा और अरेबिक टेक्स्ट को याद करना पड़ेगा, और उसमें देखिए जहां तक एराब जबर जेर का ताल्लुक है वो आप बिल्कुल ना डालें, क्योंकि जब वो आप डालते हैं और गलत डालेंगे तो उसके मार्क्स कटेंगे। लिहाजा जब आप वो जेर जबर नहीं डालते, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि आपका एग्जामिनर है वो आयात को पढ़ सकते हैं, और जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है कि अरबी के ऊपर जेर जबर नहीं डाले जाते, तो आपने एक तो जेर जबर पेश नहीं डालनी, उसके बाद आपने उन आयात को अच्छे तरीके से याद करना है और उसकी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है।
क्योंकि हम अरबी इतने अजीब अंदाज से लिखते हैं जिससे एक तो पेपर की प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है, दूसरा गलत अरबी लिख रहे होते हैं। इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, आप कटाओ मार्कर ले लें, उससे थोड़ी सी अरेबिक लिखने की प्रैक्टिस करें और उन आयात को आपने मेमोराइज करना है। अब उसका रेफरेंस कैसे देना है, देखिए आइडियल सिचुएशन तो यह है कि आप पूरा रेफरेंस दें, सूरत बकरा वर्स नंबर 234 और आगे आयत लिख रहे हैं। लेकिन अगर आपको वर्स नंबर याद नहीं रह रही, सूरत याद नहीं रह रही, तो आप जस्ट इतना भी लिख दें कि अल कुरान, कि ये कुरान में है, तब भी ठीक है। आप सिर्फ सूरत का नाम लिख देते हैं तब भी ठीक है, और अगर आयत आपको कंफर्म नहीं है तो फिर आप उसका नंबर ना लिखें। और दूसरी बात कि आपको पूरी आयत याद भी नहीं करनी है, आयत का सिर्फ वो पोर्शन याद करें जो आपसे रेलिवेंट है। सपोज आप सूरत माईदा की एक आयत है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, टुडे आई हैव परफेक्टेड योर रिलीजन, आई हैव कंप्लीटेड योर रिलीजन। अब जब आप इसको मेंशन कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन के अंदर, तो अब इसमें यह आयत का एक हिस्सा है, तो जरूरी नहीं है आपने पूरी आयत लिखनी है, आप आयत का सिर्फ वो पोर्शन लिखें। और उस पोर्शन में भी अगर आपको पूरी आयत याद नहीं होती तो आप फर्स्ट टू वर्ड्स लिखकर आगे डॉट डाल सकते हैं, आगे उसका रेफरेंस लिख दें। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि कुरान और हदीस में फर्क जरूर करना है। अगर आप कुरानी आयत के सामने हदीस लिख देते हैं, हदीस के सामने कुरान लिख देते हैं, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। अगर आप श्योर नहीं है कि ये कुरान है या हदीस, तो फिर आप उसको छोड़ दें, ये ब्लंडर आपने उसके अंदर नहीं करना। और आपको इससे भी मजे की बात बताता हूं कि आप अगर 20-25 ऐसी यूनिवर्सल आयात याद कर लें तो वह आप हर क्वेश्चन में मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम पेपर टेक्निक नहीं समझते कि हमने उस आयत को कैसे यूटिलाइज करना है। सपोज मैं आपको एक आयत बताता हूं, सूरह बकरा की आयत है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। अब ये एक आयत है, आपने याद कर ली, रेफरेंस भी याद कर लिया। अब ये आयत कितनी जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दीन रिलीजन इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, पिलर ऑफ इस्लाम पे कोई क्वेश्चन आता है, आप ये आयत लिख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, रिलीजियस जो फ्रीडम है उसके ऊपर आप ये बात लिख सकते हैं, माइनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर ये आयत फिट हो जाती है, सीरा ऑफ द होली प्रॉफिट है उसमें ये आयत आप लिख सकते हैं, इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन की जब करैक्टरिस्टिक्स की बात आती है उसमें आप ये आयत लिख सकते हैं। तो एक आयत को आपने सोचना है कि उसको हम कितनी जगहों पर लिख सकते हैं। तो एक तरीका यह भी है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही करता हूं कि हर टॉपिक में उनको 10 के करीब आयात बता देता हूं और उसके साथ उनको 20 के करीब यूनिवर्सल आयात बता देता हूं कि वो आयात अगर वो तैयार कर लेंगे तो उनके तकरीबन 4 क्वेश्चन के अंदर वो 5-5 आयात लिख लेंगे, तो उनका पेपर जबरदस्त तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो पहली टेक्निक आपकी क्या है कि आपने अरेबिक टेक्स्ट की प्रिपरेशन करनी है, कुरानी आयात याद करनी है, अहादीस याद करनी है हर टॉपिक के लिहाज से, और आपके पेपर में अगर 20-25 आयात लिखी हुई हैं और हदीस लिखी हुई हैं, तो आप यकीन कर लें कि आपका एग्जामिनर मजबूर होगा कि वो आपको 80+ मार्क्स देगा। क्योंकि देखिए असल है नॉलेज, नॉलेज के मार्क्स हैं 40% और 40% है उसके मेकअप के मार्क्स, यानी 20 तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब जो आप 4 क्वेश्चन करते हैं, जितना भी अच्छा नॉलेज आप उसमें लिखेंगे तो नॉलेज के मार्क्स हैं 10 मार्क्स उस चीज के हैं जो मैं आपको उसकी टेक्निक्स बता रहा हूं। कुरानी का रेफरेंस है, अहादीस का रेफरेंस है, इसको आपने फोकस करना है। अब दूसरी टेक्निक पे चलते हैं, सेकंड टिप उसके लिए होगी कि आपने अपने क्वेश्चन के अंदर जब आप उसको आंसर करेंगे तो आपने उसमें रेफरेंस कोट करने हैं बुक्स के भी। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को यह करता हूं कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो मैं उस टॉपिक्स के हवाले से 2-3 किताबों के नाम बता देता हूं और बता देता हूं कि ये बात जो मैंने अपने लेक्चर में की है ये इस किताब में लिखी हुई है। अब जब अपने पेपर में आप 2-3 किताबों का रेफरेंस दे रहे हैं कि इस किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है, तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो कोशिश करें कि हर क्वेश्चन में 2-3 किताबों का भी आपने रेफरेंस देना है, उसके साथ कोई कोटेशन आपको याद हो, अलामा इकबाल की, कायद आजम की, या वो हमारे इस्लामिक स्कॉलर जो एक आइकन बन चुके हैं, डॉक्टर हमीदुल्ला है, प्रोफेसर खुर्शीद हैं, या किसी खास फील्ड के अंदर उनकी स्पेशलाइजेशन है, जिस तरह माशियाती इस्लाम में आप सैयद मौदूदी साहब का या जस्टिस मुफ्ती तकी साहब का रेफरेंस देते हैं, आप कंपैरेटिव रिलीजन पे बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक का रेफरेंस दे देते हैं, तो इस तरह का आपने एक तो कोटेशंस डालनी है अपने पेपर के अंदर।
बुक्स का रेफरेंस, कोटेशंस होगी, और मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ साथ जो ओरिएंटलिस्ट हैं, ओरिएंटलिस्ट कहते हैं जो नॉन मुस्लिम इस्लाम की स्टडी करते हैं, आप उनका भी उसके अंदर रेफरेंस डाल दें, उसका भी बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। सपोज आप अगर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, पीस प्रोसेस से बात आती है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ पीस मेकर, आप उनका जायजा लें तो आपको कोटेशन डाल देते हैं कि जिस तरह ऑर्नल्ड एक ओरिएंटलिस्ट है वो कहते हैं कि इस्लाम वाज स्प्रेड थ्रू पीसफुल मींस नॉट बाय द स्वॉर्ड, कि इस्लाम तलवार के जरिए से नहीं फैला बल्कि अल्लाह के नबी की जो पीसफुल एक्टिविटीज है उसके जरिए से फैला। अब ये कोटेशन है ओरिएंटलिस्ट की, अरबी में कहते हैं ना कि अल्फजलू मा शहिदत बिहल आदा, असल फजीलत तो वो है कि दुश्मन भी गवाही दें। तो इस तरह ओरिएंटलिस्ट की भी अगर आप कोटेशन इकट्ठी कर लें, और वही मैं अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठी करके दे देता हूं ताकि उसके जरिए से वो अपने हर क्वेश्चन में एक दो कोटेशन ओरिएंटलिस्ट की डाल दें। सपोज इसी तरह पीस प्रोसेस पे आप बात कर रहे हैं, आप बुक का रेफरेंस देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द प्रॉफिट फॉर आवर टाइम, ये आर्मस्ट्रांग की बुक है, इसमें वो कहते हैं कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस एंड इट्स प्रॉफिट प्रीच टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस, आप इसका रेफरेंस दे रहे हैं। तो सेकेंड टिप हमारी क्या हुई कि आपने रेफरेंस बुक का दें, कोटेशंस डालें स्कॉलर्स की और ऐसी पर्सनैलिटीज की जो अनबायस्ड है, जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में ये इमेज नहीं जाना चाहिए कि आप किस स्कूल ऑफ थॉट से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे अंदर ये सेक्टेरियन क्लैश, सेक्टेरियन एफिलिएशन इतनी ज्यादा है, तो आपके पेपर में ये चीज किसी बुक के रेफरेंस से शो नहीं होनी चाहिए कि आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या है। आप तमाम के तमाम स्कॉलर जो भी अच्छे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप उसका रेफरेंस जरूर देंगे। तीसरा काम और तीसरी टिप डियर स्टूडेंट्स क्या है कि आपने फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर भी काम करना है। फैक्ट फिगर से मुराद क्या है कि सिर्फ जनरलाइजेशन की तरफ नहीं जाना, आप कोई बात कह रहे हैं तो उसका एविडेंस दें, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में दें, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में दें। सपोज आप मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर अल्लाह के नबी का जायजा ले रहे हैं तो उसके अंदर आप रेफरेंस दें कि वॉट की किताब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट मदीना, उसमें कहते हैं कि जितनी भी जंगें हुई उसके अंदर जितने भी लोग मारे जाते हैं तकरीबन 100 के करीब बैटल्स होती हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उसमें जितने लोग शहीद होते हैं उनकी तादाद है 1058, जिसमें मुस्लिम 259 और नॉन मुस्लिम 799 है। अब इससे आप बता सकते हैं कि अल्लाह के नबी की वॉर स्ट्रेटजी कितनी अच्छी थी कि सिविलियन के ऊपर अटैक ना हो, ह्यूमन रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, उसके लिए आप एक फैक्ट एंड फिगर को कोट कर रहे हैं। तो आप जो भी बात करें आपका एविडेंस बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ एक जनरलाइजेशन अगर आप किसी भी पेपर में करते हैं उसका वो इंपैक्ट नहीं होता। तो तीसरी टिप क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर को आपने अपने पेपर में ऐड करना है। नंबर फोर, पेपर प्रेजेंटेशन, यानी पेपर आपकी को आपने प्रेजेंट कैसे करना है। बहुत से स्टूडेंट्स के पेपर आते हैं, हम यहां पर मॉक पेपर भी लेते हैं स्टूडेंट्स से उनकी प्रिपरेशन के लिए, जब हमारे पास पेपर आते हैं तो मैं कुछ पेपर देख के हैरान हो जाता हूं, शुरू से लेकर एंड तक कोई पैराग्राफिंग नहीं है, कोई कनेक्टर नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई हेडिंग नहीं है, सिर्फ लिखते जा रहे हैं और गॉसिप्स। आपने पेपर को इंप्रेसिवली एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन में आपने उस चीज की इंपॉर्टेंस बतानी है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ह्यूमन राइट्स पूछा जा रहा है उसकी इंपॉर्टेंस बताएं, वीमेन राइट्स पूछा जा रहा है इस्लाम वीमेन राइट्स के बारे में क्या कहता है, हमारे जो फेवरेट स्पीच है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वीमेन राइट्स के बारे में क्या कहती है, उसका एक अच्छा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। उसमें कोई आपने हिस्ट्री नहीं लिख देनी उठा के कि औरतों इस्लाम से पहले औरतों का कॉन्सेप्ट क्या था, वो हिस्ट्री आपने यहां पर नहीं लिखनी। और उसके बाद जो आपका लास्ट आपकी स्टेटमेंट होगी जिसको आप थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, या उसमें आपने क्वेश्चन को एड्रेस करना है, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आप उसको अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में उसको एड्रेस करेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन चल रहा है उसमें आप हेडिंग्स भी दे रहे हैं, नॉलेज भी डाल रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कोशिश करें कि 6 to 8 पेजेस आपके क्वेश्चन हो जाए। अगरचे ये डिफर करता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, आप छोटा लिखते हैं बड़ा लिखते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है, अगर आप 80 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो 6 to 8 पेजेस पे आपका क्वेश्चन आना चाहिए और आखिर में बेहतरीन किस्म की कंक्लूजन हो, क्योंकि आपका एग्जामिनर फोकस इन दो चीजों पे लाजमी करता है। उसमें आप कंक्लूजन में लाजमी सजेशन भी डालें, कोई रिकमेंडेशन भी डालें,
तो ये है नंबर फोर कि पेपर प्रेजेंटेशन आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसमें हेडिंग्स हो, उसमें देखें आपने कोटेशन डालनी है तो दूसरे पेन के साथ, किसी किताब का रेफरेंस दे रहे हैं दूसरे पेन के साथ ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए और नजर आए। इसी तरह से अगर आप कोटेशन लिख रहे हैं डायरेक्ट कोटेशन, बिल्कुल वही वर्ड्स लिख रहे हैं, तो आप जो बॉर्डर है उसको ज्यादा छोड़ दें और इन्वर्टेड कॉमास लगा दें और एंड पे उसका रेफरेंस लिख दें। और अगर इनडायरेक्ट कोटेशन है, अपने लफ्ज में किसी की बात लिख रहे हैं, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास ना डालें, लेकिन पेन डिफरेंट हो, बॉर्डर ज्यादा छोड़ दें ताकि ये चीजें प्रोमिनेंट हो जाएं और एग्जामिनर की नजर उन चीजों के ऊपर चली जाए। नंबर फाइव, आपकी जो अप्रोच होगी वो मॉडरेट होगी, यानी अगर आपसे कोई बात पूछी जाती है कि आप इससे एग्री करते हैं डिस एग्री करते हैं, तो आपने कोई हार्ड लाइन नहीं लेनी, आपने इस तरीके से चलना है जो मिडल वे है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरफ के बताने हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स बता देनी है, कोई हार्ड लाइन नहीं लेनी। सपोज पॉलिटिकल सिस्टम पे आप कहें जी आज का जो निजाम है जमहूरियत तो है ही कुफरिया निजाम, या हार्ड लाइन ले लिया आपने, तो इस तरह की कोई आपने बात नहीं करनी, आपने एक दरमियानी रास्ते को इख्तियार करना है और उसी तरह से अपने आर्गुमेंट को डेवलप करना है। तो नंबर फाइव, आपकी जो अप्रोच होगी वो बड़ी ही मॉडरेट होगी, दरमियानी किस्म की होगी। नंबर सिक्स है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को हम समझते नहीं है, फौरन हमने देखा पेपर में क्वेश्चन आए और हमने ह्यूमन राइट्स देखा, हमने फौरन ह्यूमन राइट्स का सारा नॉलेज पेपर पे उतार दिया। भाई देखें तो सही कि ह्यूमन राइट्स को किस एंगल से पूछ रहा है, उसका कंपैरिजन पूछ रहा है, उसको फेवरेबल स्पीच के रेफरेंस से पूछ रहा है, तो आपने एक से दो मिनट बैठ के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और जो वो आपसे बात पूछ रहा है उस पर फोकस करना है, उसको हेडलाइन बनाना है, बाकी चीज आपकी सब में चली जाएगी। सपोज अगर वो फेवरेबल स्पीच की फीचर्स पूछ रहा है तो आप फेवरेबल स्पीच को आप हेडलाइन बनाएंगे और बाकी जो चीजें होंगी वो अंदर रेफरेंस के तौर पर आएगी। तो आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है क्योंकि अब सीएसएस में आपको बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके पास नॉलेज होता है लेकिन आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ना करने की वजह से उस नॉलेज को मोल्ड नहीं कर सकते। जैसे 21 के पेपर में आया कि मल्टी फेस सोसाइटी के हवाले से इस्लामिक टीचिंग क्या है, अब स्टूडेंट सोच रहे थे तो हमने पढ़ा ही नहीं, थोड़ा सा सोचें कि मल्टी फेस सोसाइटी किसे कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा रिलीजन प्रिवेल कर रहे होते हैं। तो उसमें देखें कि हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल चार्टर ऑफ मदीना की है कि अल्लाह के नबी ने यहूदियों के साथ मल्टी फेस सोसाइटी थी, चार्टर ऑफ मदीना की इंपॉर्टेंस बताएं, उसको डिस्कस करें, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज को बताएं, उनकी ड्यूटीज बताएं, वो चीजें फिक्स करें। तो नॉलेज होता है हमारे पास, जस्ट हमने उसको फिक्स करना होता है और उसको मोल्ड करना होता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो नंबर सिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, और उसके बाद नंबर सेवन टेक्निक हमारे पास क्या है, टाइम मैनेजमेंट। ये तो आप हर पेपर में ही करेंगे कि अगर आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा भी आ रहा है आप उसको पहले जरूर कर लें, लेकिन ये ना हो कि उसको आप एक घंटा दे दें और बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम जो है 20-20 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, उससे क्या होगा, अगर आपको मार्क्स 15 मिलने होंगे तो उसमें आपको चलो 17 मिल गए, लेकिन उन दो नंबर्स की वजह से आपने बाकी तमाम क्वेश्चंस में अपने तीन तीन चार चार नंबर कटवा दिए। तो जो आपने टारगेट किया कि 35 मिनट्स मैंने एक क्वेश्चन को देना है तो उसी में उसको पूरा करना है, ये ना हो कि एक क्वेश्चन 10 पेजेस पे हो और दूसरा क्वेश्चन 3 पेजेस पे हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये तो डियर स्टूडेंट 7 टिप्स हो गई हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी सिलेबस की बात कर लें कि आपने सिलेबस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए हमारे 7 चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर में आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके अकॉर्डिंगली उस सीक्वेंस में हम चलते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से है, उसमें तीन तरह से क्वेश्चन आता है। नंबर वन, बेसिक एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, वो आपने तैयार करने हैं। राइट होल्डर्स कौन कौन से हैं, सपोज पेरेंट्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, रिलेटिव्स हैं, और उनको कौन कौन से राइट्स मिले हैं। एक तो डायरेक्शन ये हो सकती है क्वेश्चन की। दूसरी डायरेक्शन हो सकती है कि फेयरवेल स्पीच जो हमारे पास एक बेसिक डॉक्यूमेंट है उसके हवाले से आपने तैयारी करनी है कि उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, वो आपको फिंगर टिप्स पर होने चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट हर पेपर में उसका आपको एक से दो क्वेश्चन ह्यूमन राइट्स पे मिल जाते हैं। और तीसरी डायरेक्शन होती है वीमेन राइट्स की, खासतौर पर जो करंट वेव है फेमिनिज्म की, उस हवाले से आपने उसको तैयार करना है। तो ये तो आपका पहला टॉपिक है ह्यूमन राइट्स, इस पर आप फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और फेवरेबल स्पीच और विमेन राइट्स इसको आप फोकस करेंगे। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्लीट सीरा ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें अगरचे सिलेबस में आपको उन्होंने 5 डायमेंशंस दी हुई हैं कि आपने बात करनी है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज इंडिविजुअल, उनकी लाइफ कैसे थी, एज एजुकेटर बतौर मुअल्लिम कैसे थे,
एज डिप्लोमेट सफीर के तौर पे कैसे थे, एज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट एंड एज पीस मेकर। ये फाइव डायमेंशन तो उन्होंने दी हैं, लेकिन आजकल अगर आप लास्ट टू थ्री इयर्स के पेपर देखें तो वो सीरत में से कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को एक पहले कंप्लीट सीरा अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन पढ़ा देता हूं, जिसमें तमाम मेजर इवेंट्स आ जाते हैं, जिससे योगा के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो कंप्लीट सीरा पढ़ी होगी, वो उसको टैकल कर लेंगे और उसके साथ जो फाइव डायमेंशन हैं उसको हम कवर करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो रिलीजन के ऊपर आता है, रिलीजन क्या है, दीन और रिलीजन में फर्क क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसके साथ फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम और जो हमारे आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, तौहीद, रिसालत, आखरत और अरकान इस्लाम, इन में से एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे फोकस करना। और खास तौर पे जो अरकान इस्लाम हैं और जो हमारा आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं उसमें हमने ये देखना है कि वो है क्या और उसके इंपैक्ट क्या है, सोसाइटी के ऊपर क्या है और इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या है। उसके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका मकसद मतलब क्या है और उसकी जो सिविल सर्वेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। उसमें लेटर्स हैं हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के, जो उन्होंने डिफरेंट गवर्नर्स को लिखे, उसका जायजा लेते हैं। और उसी में हम जो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ है, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज, खासतौर पर इज्तिहाद, इजमा, कयास, उसका भी इसके अंदर जायजा लिया जाता है और इसमें से भी एक नया क्वेश्चन लाजमी आता है। उसके साथ आपने सिस्टम्स तैयार करने हैं, खासतौर पे दो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम। और उसके साथ एक रिव्यू आपने जरूर करें सोशल सिस्टम को भी, जुडिशियल सिस्टम को भी, और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम इस्लाम में क्या है और एथिकल सिस्टम क्या है। उसके साथ जो लास्ट टू थ्री ईयर में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन, उसका बेसिक आपने कल्चर सिविलाइजेशन का फर्क क्या है और इस्लामिक सिविलाइजेशन की खसूसियात क्या है। और लास्ट जो टॉपिक है इस्लाम एंड मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें आपने मुस्लिम उम्मा के मसाइल क्या हैं, खासतौर पर टेररिज्म के हवाले से कुछ चीजें आती हैं। और तैयारी के लिए आप इस्लामी नजरिया हयात प्रोफेसर खुर्शीद की किताब उर्दू में देख सकते हैं। इसी तरह से टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, ये भी अच्छी किताब है। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम डॉक्टर हमीदुल्ला की, ये भी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर कर सकती है। इस तरह से चुगताई साहब की जो किताब है वो बहुत लेंथी है, उससे भी आप कुछ ना कुछ मदद ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने सेवन टिप्स उसको डिस्कस किया, उसको आपने जहन में रख के पेपर की तैयारी करनी है। और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे और हम अपनी अकेडमी में इसी तरीके से हम तैयारी करवाते हैं और इंशाल्लाह ताला आप आराम से 80+ स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जजाकुमुल्लाह।